Good morning, students. So in the today class we will study the respiration. The respiration is a very important topic that comes in exam for 5 marks or 10 marks. The question will come in the exam, the mechanism of respiration. ठीक है, तो आयुर्वेदिक झुमकी में पहले ही पढ़ा चुका हूँ. जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो पुरानी वीडियो में जाके सारंगधर के अनुसार आयुर्वेद के हिसाब से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में देख सकते हैं. तो इन मॉडर्न वी विल सी द रेस्पिरेशन. द टर्म रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड सेल्स एंड द एनवायरमेंट. दिस इन्वॉल्व टू मेन प्रोसेस. तो रेस्पिरेशन शब्द का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी सेल एंड एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट में जो गैस है वो गैस बॉडी के अंदर जाएगी और बॉडी की गैस बाहर आएगी. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड एनवायरमेंट इज द रेस्पिरेशन. दिस इन्वॉल्व द टू मेन प्रोसेस. तो इसमें दो मेन प्रोसेस होती हैं. तो पहली प्रोसेस है ब्रीथिंग, ठीक है, और सेकेंड प्रोसेस है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो सम पीपल हैव डाउट द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ आर सेम और डिफरेंट, है ना. तो ब्रीथिंग एक पहली प्रोसेस है ब्रीथिंग, और दूसरी प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैस. तो जो ब्रीथिंग है जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं. तो ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है? दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू और आउट ऑफ लंग. तो एयर का मूवमेंट हो रहा है लंग्स में, इन टू और आउट ऑफ लंग, दैट इज ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन. द सेकेंड प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैस. तो जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रही है दैट मे बी इन द लंग्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस और इन द टिश्यू इंटरनल रेस्पिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन शब्द का मतलब क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड द एनवायरमेंट, दैट इज रेस्पिरेशन. तो वॉट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड एनवायरमेंट. रेस्पिरेशन में दो मेन प्रोसेस होती हैं, पहली ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन और दूसरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है? जो एयर है, एयर का लंग्स में मूवमेंट, द इन टू और आउट ऑफ लंग, चाहे वो लंग्स में जा रही है या लंग्स से बाहर निकल रही है, दैट इज ब्रीथिंग. और एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट मे बी इन द लंग, दैट मे बी इन द सेल्स. तो जो लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, और टिश्यू के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे. तो समझ आया आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन? दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड एनवायरमेंट. रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस थे, एक ब्रीथिंग और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के लेवल पे भी हो सकता है और बाद में जाके सेल या टिश्यू के लेवल पे भी होगा. तो जो लेवल पे होगा दैट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो टिश्यू सेल के लेवल पे होगा दैट इज़ नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन. लेट्स सी द ब्रीथिंग. द ब्रीथिंग सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एल्वियोलाई एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीथिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ चुके? कि लंग्स में या लंग से बाहर, इन टू और आउट ऑफ लंग जो गैस जा रही है, मूवमेंट ऑफ एयर. तो ब्रीथिंग सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एल्वियोलाई एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो इन टू हो रहा था वो क्या हो रहा था? ऑक्सीजन. जो आउट ऑफ लंग हो रहा था वो क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड. तो एल्वियोलाई के थ्रू एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जाना और एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, दैट इज़ बाई ब्रीथिंग. एट रेस्ट एन अडल्ट ब्रीथ एट रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 12 to 14 ब्रीथ पर मिनट. तो जब हम एक नॉर्मल वयस्क पुरुष की बात करें तो एक नॉर्मल वयस्क पुरुष एक मिनट में 12 से 14 बार वो रेस्पिरेशन करता है. मतलब 12 बार इंस्पिरेशन और 12 बार एक्सपायरेशन. मतलब एक रेस्पिरेशन कितनी बार करेगा? 12 या 14 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से वो रेस्पिरेशन करता है. इट कंसिस्ट ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन. और जब मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट में 12 इंस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, इसका मतलब 12 बार वो इंस्पिरेशन करता है और 12 बार वो एक्सपायरेशन करता है. ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग द इंस्पिरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस. तो ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीथिंग, तो जब एक आदमी शांत ब्रीथिंग कर रहा है, मतलब बिना किसी दौड़ के चुपचाप सांस ले रहा है, तो उस समय इंस्पिरेशन जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सपायरेशन एक पैसिव प्रोसेस है. मतलब जब हम कुछ दौड़ भाग नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारी जो एनर्जी खर्च होगी वो इंस्पायर करने के लिए तो होगी, लेकिन एक्सपायरेशन करने के लिए एनर्जी खर्च नहीं होगी. एक्सपायरेशन एक पैसिव ही प्रोसेस होगा, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? बॉडी सेल्स और एनवायरमेंट के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, दैट इज़ रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, एक ब्रीथिंग और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
जो ब्रीथिंग है जिसको आप पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इनटू और आउट ऑफ लंग जो एयर का मूवमेंट है। तो इनटू किसके थ्रू, अब वो हम आगे पढ़ेंगे। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो सबसे पहले लंग्स के लेवल पे होगा, फिर टिश्यू के लेवल पे भी होगा। जो लंग्स के लेवल पे होगा उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे, और जो टिश्यू के लेवल पे होगा उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, देन वी विल सी कि इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल ब्रीथिंग क्या है। तो ब्रीथिंग का मतलब क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इनटू और आउट ऑफ लंग। तो जो इनटू हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, और जो आउट ऑफ हो रहा है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति एक मिनट में 12 से 14 बार जो है वो रेस्पिरेशन करता है। एक रेस्पिरेशन में एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपायरेशन होता है। जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उस समय इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है जो स्वतः ही हो जाती है, उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द साइज ऑफ द थोरेसिस कैविटी इज इंक्रीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मसल्स। तो आप सोचो, जैसा आप छोटे पे आप मेले जाते थे ना, तो मेले में क्या होता था कि मेले में एक गुब्बारा और गुब्बारे के ऊपर एक छोटी सी पाइप लगी होती थी, ऐसा होता था ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो नीचे एक गुब्बारा लगा है, जब सपोज उस गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ेगा, उस गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, बढ़ेगा तो क्या होगा, उस पाइप के थ्रू हवा उसके अंदर आएगी। तो इन द सेम वे सेम प्रोसेस आप अप्लाई करो। द ब्रीथिंग सप्लाइज ऑक्सीजन टू द एल्वियोलाई, नहीं, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द साइज ऑफ द थोरेसिस कैविटी इज इंक्रीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मसल्स। तो जब आप इंस्पायर्ड कर रहे हैं, तो इंस्पायर्ड कर रहे हैं मतलब हवा और अंदर जा रही है, और हवा अंदर कब जाएगी, जब जो लंग्स है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। और लंग्स का वॉल्यूम कब बढ़ेगा कि जो साइज ऑफ थोरेसिस कैविटी बढ़ेगा। और साइज ऑफ थोरेसिस कैविटी कैसे बढ़ेगा, जब थोरेसिस कैविटी से रिलेटेड जो मसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो द पैराइटल प्लूरा फॉलोज द एक्सपेंडिंग चेस्ट वॉल। और जब थोरेसिस कैविटी का साइज बढ़ रहा है, तो आपने पढ़ा ही है कि प्लूरा जो लंग्स के ऊपर लगा रहता है उसकी दो लेयर होती हैं, एक पैराइटल और एक विसरल। विसरल जो है जो लंग्स से चिपकी हुई है, और प्लूरल जो है पैराइटल वो है जो थोरेसिस केज से चिपका हुआ है। तो जब थोरेसिस केज एक्सपेंड हुआ तो पैराइटल प्लूरा भी खींचा, और जब पैराइटल प्लूरा खींचेगा तो वो बाद में विसरल प्लूरा को भी खींचेगा। तो ऐसा ही लिखा है, द विसरल प्लूरा आल्सो फॉलोज द पैराइटल प्लूरा। और सोचो, आप बाहर वाला थोरेसिस केज बढ़ रहा था, उसके खींचने से पैराइटल प्लूरा खींचा, पैराइटल प्लूरा खींचने से विसरल प्लूरा खींचा, और विसरल प्लूरा के अंदर क्या रखे थे, लंग्स। तो लंग्स किससे बने हैं, एल्वियोलाई से। तो वो एल्वियोलाई भी कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड करेंगे पैसिवली, क्योंकि खींच रहे हैं ना, कौन खींच रहा है, हमारा थोरेक्स खींच रहा है। थोरेक्स के अंदर जो लेयर रखी हुई थी प्लूरा की, पैराइटल और विसरल, वो दोनों खींची। तो अंदर जो भी था, क्या था अंदर, अंदर तो लंग्स थे ना, लंग्स किससे बने थे, इलास्टिक लंग थे, किससे बने थे, एल्वियोलाई से। तो उनका वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा, और जिसकी वजह से एक्सपेंशन ऑफ लंग इज एसोसिएटेड विद ए फॉल इन द प्रेशर ऑफ द लंग पैरेन्काइमा। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, P = 1/V, 12th में पढ़ा होगा आपने चार्ल्स के नियम में, P = P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/N इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। तो जब वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, और जब प्रेशर कम हो गया तो हवा ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर उस पाइप के थ्रू आने लगी, और वो पाइप क्या था, ट्रेकिया, है ना। तो दिस इज इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के समय क्या हो रहा था कि आपकी जो थोरेसिस कैविटी थी उसका साइज जो था वो बढ़ रहा था। पहला पॉइंट, साइज क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि जो आपकी थोरेसिस कैविटी की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। दूसरा पॉइंट, थोरेसिस कैविटी के अंदर क्या था, लंग्स को कवर करने वाली लेयर प्लूरा, प्लूरा की दो लेयर थी, एक पैराइटल और दूसरी विसरा। जब थोरेसिस कैविटी एक्सटेंड हुई तो पैराइटल भी बाहर की ओर खींचा, जब पैराइटल खींचा तो प्लूरा भी खींचा, और प्लूरा के अंदर क्या रखे हुए हैं, इलास्टिक लंग, जो कि किससे बने हुए हैं, एल्वियोलाई से। वो एल्वियोलाई भी पैसिवली खींचने लगे, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर के कम होने की वजह से जो एक तो रूल है कि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेयर की ओर जाती है। तो साथ में एक पाइप लगा था, उस पाइप का नाम क्या था, ट्रेकिया। तो ट्रेकिया से जो हवा थी वो अंदर की ओर खींचने लगी और लंग्स में पहुंच गई, दैट इज इंस्पायरेशन। ओके, नाउ वी विल सी द एक्सपायरेशन। तो एट द एंड ऑफ इंस्पायरेशन, जब इंस्पिरेशन खत्म हुआ तो मसल्स विच कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवली ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन रिलैक्स,
एंड द इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द थोरेसिस बॉल एंड लंग्स कॉज पैसिव एक्सपायरेशन. तो जैसे ही इंस्पिरेशन तो क्यों हो रहा था, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एनर्जी चाहिए, और जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद किया, मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद किया तो क्या हुआ, मसल्स रिलैक्स हो गई. मसल्स रिलैक्स हो गई तो जब जिस चीज़ को हम खींच रहे थे, खींचना हम छोड़ दें, तो वापस से वो चीज़ वहीं अपनी पोजिशन पर आ जाएगी, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा हवा अंदर गई थी वो हवा बाहर आ जाएगी. दिस इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन. आई होप यू हैव अंडर क्लियर. नाउ व्हाट इज इंस्पिरेशन, व्हाट इज एक्सपिरेशन, व्हाट इज ब्रीथिंग. ब्रीथिंग का मतलब लंग्स में इनटू एंड आउट ऑफ लंग, है ना, और रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट. नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन follows the enlargement of thoracic cavity in all its diameter by contraction of the respiration muscles. तो जब lungs का expansion हो रहा है, अब lungs का expansion कब होगा भैया, inspiration में या expiration में? Of course inspiration में. तो जो lungs का expansion होता है वो सभी दिशाओं में होता है, in all the diameter, all the directions, because of the contraction of the respiratory muscles. तो respiration की जो important muscles हैं आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा. तो जो respiration की muscles हैं, the important muscles diaphragm. पहली muscles diaphragm. तो diaphragm in Ayurveda in Sanskrit is known as महाप्राचीरपेशी. okay? तो anatomy का important question है जो exam में 10 marks में आता है, महाप्राचीरपेशी. तो डायफ्रेम, तो डायफ्रेम के बारे में पढ़ते हैं. इंस्पिरेशन कमेंसेस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रेम. तो इंस्पिरेशन तभी स्टार्ट होता है जब डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और डायफ्रेम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सेंट्रल टेंडन ऑफ विच मूव्स डाउनवर्ड्स अबाउट 1.5 सेंटीमीटर. तो आपको ये तो पता है ना डायफ्रेम कहाँ होता है. डायफ्रेम थोरेक्स और एब्डोमन के बीच की एक मसल्स होती है, जिसके बीच में एक सेंट्रल टेंडन होते हैं. जब डायफ्रेम कॉन्टैक्ट करता है तो ये सेंट्रल टेंडन लगभग लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका थोरेसिस कैविटी है उसका वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाता है. मतलब सोचो कि एक बाल्टी है, बाल्टी की जो तली है वो डायफ्रेम है, तो बाल्टी की तली और नीचे होगी तो बाल्टी और लंबी हो जाएगी ना. तो ऐसे ही थोरेसिस कैविटी का जो डायफ्रेम है वो बढ़ जाता है, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है. एट द सेम टाइम द लोअर रिब्स आर मूव्ड समवॉट अपवर्ड्स, इंक्रीजिंग द लैटरल एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट. तो चेस्ट का वर्टिकल डायमीटर कैसे बढ़ा, चेस्ट का वर्टिकल डायमीटर डायफ्रेम के सेंट्रल टेंडन के 1.5 सेंटीमीटर नीचे होने की वजह से बढ़ा. लेकिन उसी समय क्या होता, जो लोअर रिब्स थी, जो नीचे वाली रिब्स थी, वो भी अपवर्ड इंक्रीजिंग. लोअर रिब्स मूव्ड समवॉट अपवर्ड, वो भी थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ती हैं. तो जब लोअर रिब्स ऊपर की ओर बढ़ी है और लैटरल की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगी तो क्या होगा, जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, मतलब लैटरल और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट कैविटी का, मतलब जो एक बाल्टी थी उस बाल्टी की जो चारों तरफ वाली दीवार है वो दीवार भी अपने आकार में बढ़ने लगेगी. तो लंबाई कैसे बढ़ी उस बाल्टी की, बाल्टी मतलब चेस्ट थोरेसिस कैविटी की, क्योंकि जो डायफ्रेम था वो नीचे बढ़ा. और उसकी एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल डायमीटर क्यों बढ़े, क्योंकि जो लोअर रिब्स थे वो अपवर्ड की ओर मूव करने लगे. The descent of diaphragm is accompanied by the displacement of the abdominal content towards downwards, associated with the relaxation of the abdominal muscles. The descent of diaphragm, जो diaphragm का नीचे जाना है, is accompanied by the displacement of the abdominal component downwards. तो जब diaphragm नीचे जाएगा तो abdomen के अंदर जो भी कुछ रखा हुआ है वो भी नीचे की ओर जाएगा, जिसकी वजह से जो abdominal muscles हैं वो relax हो जाएंगी. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये तो हमने क्या पढ़ा, इंस्पिरेशन के समय क्या हो रहा है. लेकिन एक्सपिरेशन जो कि हम जानते हैं कि एक पैसिव प्रोसेस है, मतलब जो चीज़ें नीचे की ओर खींची थी वो पुनः वापस अपनी जगह आ जाएंगी. मतलब ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द डायफ्राम रिलैक्स एंड द डोम मूव्स अपवर्ड, एडेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स पुशेस द डायफ्राम अपवर्ड एंड दिस रिजल्ट इन द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग. मतलब आप सोचो कि जो डायफ्राम नीचे की ओर बढ़ा था, अब वो डायफ्राम पुनः ऊपर की ओर जाएगा, और पुनः ऊपर की ओर क्यों जाएगा, जो एब्डोमन की मसल्स हैं वो पुनः बैक अपनी पोजिशन से आएंगी, जिसकी वजह से डायफ्राम अपनी पुनः पोजिशन में चला जाएगा, और जो बाल्टी का लंबा वाला डायमीटर बढ़ रहा था, वर्टिकल डायमीटर बढ़ रहा था, वो पुनः अपनी सेप में आ जाएगा, और जिसकी वजह से वो हवा बाहर
फेंक दी जाएगी। तो ये तो पहली इंपॉर्टेंट मसल है रेस्पिरेशन की, डायाफ्रैम। इन आयुर्वेदा इन संस्कृत इज नोन एज महाप्राची रफेसी, कि डायाफ्रैम के जो सेंट्रल टेंडन थे वो नीचे की ओर जा रहे थे कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से, जिसकी वजह से थोरेसिस कैविटी का डायामीटर लगभग 1.5 सेंटीमीटर नीचे गए, जिसकी वजह से थोरेसिस कैविटी का जो वर्टिकल डायामीटर था वो बढ़ गया। थोरेसिस कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल डायामीटर भी बढ़ता है, क्योंकि जो रिब्स होती है नीचे वाली वो अपवर्ड मूव करती हैं, और इसके ठीक अपोजिट वाइस वर्सा कब होता है, एक्सपायरेशन। ठीक है ना। नाउ वी विल सी द इनर कोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स। द नॉर्मल ब्रीथिंग इज प्रीडोमिनेंटली डायाफ्रैगमेटिक। तो जो हम नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करते हैं, आप चुपचाप क्लास में बैठे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो जनरली वो डायाफ्रैगमेटिक है। ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग क्वाइट इंस्पिरेशन। ठीक है। द फोर्स इंस्पिरेशन एंड फोर्स एक्सपायरेशन। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बिकम एक्टिव। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कब एक्टिव होती हैं, ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन, फोर्स इंस्पिरेशन एंड फोर्स एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन तो पैसिव है, लेकिन जब आप फोर्स एक्सपिरेशन, जब आप कपाल भाती कर रहे हैं, कपाल भाती में क्या होता है, जल्दी जल्दी हवा बाहर निकाली, जब आप फोर्स एक्सपिरेशन कर रहे हैं, फोर्स इंस्पिरेशन कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तब क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाती है। देयर कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू मूविंग अप ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रिब्स। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जब वो कॉन्टैक्ट करती हैं, तो रिब्स का जो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द रिब्स है, रिब्स का जो एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर मतलब जो स्टर्नम के पास लगा हुआ है, वो ऊपर मूव्ड अप, वो क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिस केज इज इंक्रीज, एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इज आल्सो लिटिल इंक्रीज। तो आपको क्या याद रखना है कि जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, नॉर्मल की बात करें क्वाइट रेस्पिरेशन की, तब डायाफ्रैगमेटिक ही है, लेकिन जब आप कपाल भाती या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उस समय क्या होता है कि जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्टैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स का एंटीरियर पोर्शन है वो क्या करेगा, वो ऊपर की ओर जाएगा, जिसकी वजह से थोरेसिस कैविटी का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ जाता है, एंड ट्रांसवर्स डायमीटर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। नॉर्मल क्वाइट एक्सप्रेशन इज ड्यू टू द पैसिव रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स। तो नॉर्मल क्वाइट रिलैक्सेशन, जो मैंने बोला था कि एक पैसिव प्रोसेस है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, जो रिप्स आगे की ओर बढ़ी थी वो पुनः अपनी पोजिशन में जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट ड्यूरिंग द फोर्स एक्सप्रेशन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो लेकिन जब आप फोर्स एक्सप्रेशन करते हैं, तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अपना रोल प्ले करती हैं, पुल द अपर रिब डाउन, वो ऊपर वाली रिब को नीचे की ओर खींचती हैं, सो दैट रिब्स एक्वायर द पोजीशन एज सीन एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो मतलब आप इससे क्या समझ रहे हैं, इससे आप समझ रहे हैं जब नॉर्मल, पहले तो हमने बात की इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन के लिए तो क्या चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल वॉल्यूम बढ़ेगा की बात करेंगे, तो एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से रिब्स का जो आगे वाला पार्ट है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, समझ गए, तो उसका एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल डायमीटर बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम क्वाइट एक्सपायरेशन की बात करते हैं, तो वो एक पैसिव प्रोसेस है, तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ा था वो पुनः अपनी पोजीशन में आ गया। लेकिन जब हम फोर्स एक्सपायरेशन की बात करते हैं, तो क्या होता है कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल, आप सोच रहे हो इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच वाली मसल्स, तो एक बाहर की ओर लगी है दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और एक अंदर की ओर लगी है लंग्स की साइड, दैट इज इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल। तो जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स पुल्स करेंगी, तो ऊपर वाली रिब्स जो है वो नीचे की ओर खींचेंगी, और थोरेसिस कैविटी का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स एक्सप्रेशन होगा। तो पहली जो इंपॉर्टेंट मसल्स थी, दैट वाज डायाफ्रैम। डायाफ्रैम के इसमें क्या रखना था, सेंट्रल टेंडन 1.5 सेंटीमीटर नीचे। दूसरा क्या रखना था, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल कोस्टल मसल्स दो तरह की होती हैं, एक इंटरनल और दूसरी एक्सटर्नल। तो नॉर्मली केस में क्या है, मतलब फोर्स्ड इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हमने रोल प्ले कर रही थी, लेकिन जब हम फोर्स एक्सप्रेशन करते हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रोल प्ले करती हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो ऊपर वाली रिब्स हैं वो अंदर की ओर खींचती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैविटी का डायमीटर कम हो जाता है। नेक्स्ट वी विल सी जो तीसरा मसल्स का काम है, मोशन ऑफ रिब्स। द रिब्स आर ऑलमोस्ट सेमी सर्कुलर बोन। हमको पता ही है रिब्स जो है लगभग सेमी सर्कुलर बोन है, विच आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रा एट वन एंड एंड विद द स्टर्नम एट अदर एंड, जो आगे की ओर स्टर्नम से और पीछे की ओर वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करती
है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द स्टर्नम इज़ एलिवेटेड, जब आप इंस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं तो क्या होता है, स्टर्नम इज़ एलिवेटेड, स्टर्नम ऊपर की ओर उठता है एंड पुश्ड फॉरवर्ड ड्यू टू एलिवेशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ रिब। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो स्टर्नम एलिवेटेड, स्टर्नम आगे की ओर बढ़ेगा और क्या होगा, क्योंकि जो रिब्स के जो शाफ्ट हैं, रिब्स के जो शाफ्ट हैं वो भी आगे की ओर बढ़ेंगे, ऑफ विच द स्टर्नल एंड्स आर लोअर देन द वर्टिब्रल एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। तो जिसकी वजह से जो स्टर्नल एंड मतलब रिब्स हैं, रिब्स सोच रहे हो आप सेमी सर्कुलर कैनाल्स टाइप की हैं, जिसका आगे वाला हिस्सा स्टर्नम से लगा है, पीछे वाला हिस्सा वर्टिब्रल से लगा है। तो जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो स्टर्नम उठ जाता है, जब आप सांस लो तो स्टर्नम एलिवेट हुआ एंड पुश्ड फॉरवर्ड और आगे की ओर खिंच जाता है, क्यों, ड्यू टू एलिवेशन ऑफ द शाफ्ट ऑफ रिब्स, क्योंकि जो रिब्स है उसके जो शाफ्ट हैं जो ऐसे गोल गोल हिस्से हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं। सांस लो के देखो, ठीक है, उठ रहे हैं ना, तो जो शाफ्ट ऑफ रिब्स हैं वो ऊपर की ओर करते हैं और जब ये ऊपर की ओर उठेंगे तो जो इसका स्टर्नम एंड है वो वर्टिब्रल एंड की अपेक्षा नीचे हो जाता है। दिस इज कॉज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट, और फिर चेस्ट का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो बढ़ गया, और जब एक्सप्रेशन होगा तो सेम थिंग, वही चीज़ घटेगी, ये मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, स्टर्नम पीछे की ओर आएगा और जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो बड़ा था वो फिर से कम हो जाएगा। तो आप को जब एक्सप्रेशन रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म पढ़नी है तो आपको बस ये याद रखना है, क्या सारा खेल किसका है, वॉल्यूम का, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, या तो डायफ्राम के संयोग से, या फिर इंटरकोस्टल मसल्स की कॉम्बिनेशन की वजह से, या फिर मोशन ऑफ रिब्स की वजह से। तो डायफ्राम के केस में क्या था, वर्टिकल डायमीटर बढ़ रहा था, रिब्स की वजह से क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल डायमीटर हो रहा था, और मोशन ऑफ रिब्स की वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से भी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ रहा था। और रिब्स का जो मूवमेंट है, आप सोच रहे हैं रिब्स में क्या बात याद रखनी है, रिब्स में पहला पॉइंट याद रखना है, रिब्स एक सेमी सर्कुलर कैनाल है जो आगे स्टर्नम से लगी है और पीछे वर्टिब्रल कैनाल से लगी है। जो आगे स्टर्नम से लगी है ना, वो हिस्सा जो है स्टर्नम के साथ लगने वाला, वो हिस्सा इंस्पिरेशन के समय नीचा होता है और वर्टिब्रल कॉलम के से लगने वाला हिस्सा ऊपर होता है, ये पॉइंट याद रखना है। और रिब्स का जो मोशन है वो दो तरह का होगा, एक बकेट हैंडल मोशन और दूसरा पंप हैंडल मोशन या मूवमेंट। तो जो बकेट हैंडल मूवमेंट है ना, मतलब बकेट मतलब बाल्टी, तो जब बाल्टी भरी होती है, बाल्टी उठा रहे हो, तो बकेट का हैंडल नीचे से ऊपर कैसे आता है, ऐसे आता है ना, नीचे से ऊपर, सोचो, तो दैट इज आउटवर्ड एंड अपवर्ड, आउटवर्ड एंड अपवर्ड स्विंग रोटेशन इन द लोअर रिम्स 7th to 10th। तो बकेट हैंडल मतलब बाल्टी का डंडा, तो बाल्टी का डंडा ऊपर नीचे हो रहा है, तो ऐसे ही जो 7th से लेकर 10th रिब होती है वो ऊपर नीचे होती है, कॉज एन इंक्रीज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरैक्स, जिसकी वजह से थोरैक्स का ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ जाता है, दैट इज बकेट हैंडल मूवमेंट। तो रिब्स में क्या याद रखना था, रिब्स एक सेमी सर्कुलर कैनाल है, आगे वाला हिस्सा किससे लगा है, पीछे वाला हिस्सा किससे लगा है, ठीक है। फिर इसमें दो तरह के मूवमेंट है, एक बकेट हैंडल, बकेट हैंडल मूवमेंट जो है वो किस में हो रहा है, 7th to 10th रिब में। देन पंप हैंडल मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट कहाँ होगा, 2nd से 6th रिब में। तो 2nd से 6th रिब में पंप हैंडल और 7th से 10th में बकेट हैंडल। पंप हैंडल मतलब जब आपने हैंडपम्प नहीं देखा, हैंडपम्प का जो नल, हाथ से नल चलाते हैं, हाथ वाला नल, तो उसमें मूवमेंट क्या होता है, पंप हैंडल, और बकेट हैंडल मतलब बाल्टी का जब उठाते हैं, तो दो तरह के मूवमेंट है, सोच रहे हो, मतलब नल चला रहे हो हाथ से ऐसे करके, तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे, ये आगे पीछे वाला कब हो रहा है, 2nd to 6th रिब में, और बकेट हैंडल वाला 7th to 10th रिब में। तो ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दे एज्यूम ए मोर हॉरिजेंटल पोजिशन कॉज द इंक्रीज इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। तो आपको इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, जो बकेट हैंडल मूवमेंट है वो 7th से 10th रिब में होता है, और जो पंप हैंडल है वो 2nd से 6th रिब में होता है। मोर एवर बाई वर्च्यू ऑफ देयर कर्व, क्योंकि रिब्स कर्व्ड होती है मिड पार्ट में, कॉज एन इंक्रीज इन द ट्रांसमीटर डायमीटर ऑफ थोरैक्स। देखिए ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में जो मैंने बोला था ना कि डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, तो ये देखो डायफ्राम लिखा है यहाँ पे, डायफ्राम डाउनवर्ड मूवमेंट, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा। उस मैंने बोला था रिप्स बाहर की ओर जाती हैं, तो ये देखो कहाँ चला गया, एक मिनट, अभी देखो रिप्स बाहर की ओर जा रही है तो इसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ेगा। ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा,
तो हवा अंदर की ओर आ जाएगी। अब एक्सप्रेशन केस में क्या हो रहा है, डायफ्राम रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, जो मसल्स हैं वो दोबारा से रिलैक्स हो रही है और हवा वॉल्यूम जो है इसका कम हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा और हवा बाहर। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आएगी तो यू हैव टू मेक दिस डायफ्राम, बोथ ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना था कि इसमें तीन तरह की मसल्स थी, एक डायफ्राम, एक इंटरकोस्टल मसल्स और तीसरी द मोशन ऑफ रिब्स। मोशन ऑफ रिब्स में दो तरह के मूवमेंट याद रखने थे, एक हाथ वाला पंप का मूवमेंट, पंप हैंडल मूवमेंट और एक बाल्टी के उठाने वाला, दैट इज़ बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है। इस दो तरह के मूवमेंट थे, बकेट हैंडल 7 to 10th रिब में, पंप हैंडल 2nd to 6th रिब में। देन एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, जब आप फोर्स इंस्पिरेशन करते हैं तो कुछ दूसरी मसल्स जैसे स्केलिनियस, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइज, ये क्या करती हैं, पहली रिब को स्टेबलाइज कर देती हैं और अपर स्टर्नम को स्टेबलाइज कर देती हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट वायलेंटली ड्यूरिंग द फोर्स एक्सप्रेशन। जब आप कपालभाति करते हैं तो पेट पे चकता है ना, है ना, तो उस पेट पे चकने की वजह से पेट मसल्स काम करेंगी और फैट कम होगा, तो एब्डोमिनल की जो मसल्स हैं वो बहुत तेज़ी से काम करती हैं फोर्स एक्सप्रेशन की वजह से, और ड्यूरिंग द वायलेंट रेस्पिरेटरी इफर्ट इवन द प्लेटिस्मा टेक प्लेस। तो कुछ एसेसरी मसल्स हैं जैसे स्केलनीज है, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइज है और प्लेटिस्मा है और एब्डोमिनल मसल्स हैं, जो भी रेस्पिरेशन में कुछ हद तक हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वी विल सी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो दो तरह का है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो लंग्स में हो रहा है, एक्सटर्नल मतलब जो लंग्स में हो रहा है, इंटरनल मतलब जो टिश्यू में हो रहा है या सेल्स में हो रहा है, ये हम कल पढ़ेंगे। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये मैं अपनी नई बुक से पढ़ा रहा हूँ और आप इस बुक में बहुत शॉर्ट में सब चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। थैंक यू।